जिन लोगों को डिकाला चाहिए होता है भाई उनके लिए बता दें, डिकाला ओपन हो जाएगा 15 नवंबर से और डिकाला की बुकिंग अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। और भाई इतनी खूबसूरत जगह है ना, पर कुछ लोगों ने भाई इस खूबसूरत जगह को यहाँ पे उतर के और इतना गंदा कर रखा है। देख रहे हो आप कितना कूड़ा फेंक रखा है भाई, ये देखो। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वाह जी वाह, ये बंदर था गाड़ी में अटैक करने के मूड में। मैं जब आया ना, मैं हाथ धो रहा था, ये यहाँ बैठा था चुपचाप, अभी उधर चले गया। इसकी हरकत है, अभी क्या ले रहा है, अभी ये चूना खा रहा है इसमें से। हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई सुबह के बज रहे हैं 4:15 और मैं निकल चुका हूँ जंगल जर्नी के लिए। भाई जंगल जर्नी आज टूरिस्ट को लेके जंगल के अंदर नहीं है, आज जर्नी है बफर एरिया मुहान और सुंदर कालबल। अभी किसी का एक वीडियो देखा कि उसने भाई मेरे ख्याल से एक आध दिन पहले वहां पे डाला हुआ है वीडियो टाइगर साइटिंग का। तो भाई वीडियो देखते ही मेरे को चुल उठी, मैंने कहा मैं भी निकलता हूँ। भाई नींद खुल चुकी थी तो सोचा यारों को भाई आज सुंदरखाल गांव और मोहन के आगे वाला एरिया दिखाया जाए, वहां कभी भी जबरदस्त साइटिंग हो जाती है। भाई इवनिंग के तो कई सारे चक्कर रहे, मॉर्निंग में कम है, मेरे ख्याल से दूसरा चक्कर है मेरा। तो निकलते हैं भाई, दिखाते हैं आपको जंगल बफर जोन का युवराज के अंदाज में। और सारे यारों को हमारी सीताराम गुरु जी, अभी प्रॉपर लोकेशन है बेल पड़ाव चौराहा, अपने घर से निकला ही हूँ मैं बस, जस्ट अभी जाना है मुझे दूर यहाँ से। मोहन है कम से कम 30-40 किलोमीटर। भाई चाय की टपरी पे रुकते हैं 2 मिनट, फिर आगे बढ़ेंगे। भाई रामनगर सिटी के लोग फिर भी अर्ली मॉर्निंग, अभी मैं आ रहा हूँ उस वाले ट्रैक पे ही मॉर्निंग वॉक करते हुए चल रहा है। सीताराम थोड़ा फ्यूल कम है, फ्यूल भराते हैं फिर निकलते हैं भाई सुंदरखाल को। सब घूमने को यहाँ घूम सकते हैं, पता अगल बगल बहुत ट्रैक है, यूं कोसी बैराज पूरा घूम के घूम सकते हैं, पर नहीं जाना तो उधर ही को है। कहाँ को? फॉरेस्ट वाले एरिया को। तो यारो पहुंच चुके हैं बिजरानी गेट वाले एरिया में। अभी बिजरानी गेट भी खुलने वाला है, 15 अक्टूबर को ओपन हो जाएगा। सामने देख रहे हैं रामनगर सिटी से सबसे नियर बाय जो जोन है वो ये है बिजरानी। अभी लेफ्ट में बिजरानी गेट है, ये बैरियर वहीं पर पड़ता है, आम डंडा इस जगह का नाम है। इसके बाद थोड़ा आगे पड़ता है गर्जिया जोन, दिखाते हैं अभी आपको गर्जिया जोन का गेट। तो यारो पहुंच चुके हैं गर्जिया गेट, ये है गर्जिया जोन का गेट लेफ्ट में, और इस जगह को बोलते हैं रिंगोड़ा। भाई आप लोग रिजॉर्ट में आते हैं कई दफे, कई लोगों को चाय के शौकीन होते हैं, कुल्लड़ वाली चाय का अगर आपने आनंद लेना है तो भाई आप रिंगोड़ा आ जाओ। यहाँ पे आपको छोटी छोटी कई सारी चाय की टपरी मिलेंगी, जबरदस्त कुल्लड़ वाली चाय मिलती है यहाँ पे, और दोनों तरफ फॉरेस्ट वाला एरिया है, प्रॉपर टाइगर टेरिटरी है। कई दफे मतलब यहाँ पे टाइगर क्रॉस होते हुए बोर्ड लगे हुए, बस इस रोड को मैंने बोला ना टाइगर तब पसंद करता है जब गाड़ियों का मूवमेंट बहुत कम हो, ये रोड तो काफी चलने वाली रोड है ना। तो यारो आप पहुंच चुके हैं ढिकली विलेज। भाई जितने भी लोग हमें फोन करके पूछते हैं युवराज भाई अच्छे रिजॉर्ट का, अगर आपको रिवर साइड रिजॉर्ट लेने तो भाई सबसे बेस्ट एरिया है कोसी रिवर के किनारे रिजॉर्ट मिलेंगे, पर रिजॉर्ट की अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें, क्योंकि कई सारे रिजॉर्ट कोसी रिवर से दूर होते हैं, मतलब बोलते हैं कि पास ही में है पर काफी नीचे जाके रिवर है वो। एडवेंचर एक्टिविटी करने के लिए हो गया, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हो गया, तो ढिकली में बहुत सारी चीजें हैं भाई। ये सब पड़ेगा आपको मोहन और सुंदरखाल वाले ट्रैक पे। भाई रामनगर से निकले, निकलते ही सबसे पहले बिजरानी गेट, थोड़ा आप 4-5 किलोमीटर आगे गए सीधे गर्जिया गेट, रिंगोड़ा जो मैंने आपको बताया कुल्लड़ वाली चाय, फिर आप उससे जो है 6-7 किलोमीटर आगे ढिकली पड़ गया, फिर इससे मैं 6-7 किलोमीटर आगे जाऊंगा ढिकली विलेज से, फिर आपका मोहन स्टार्ट हो जाएगा गर्जिया मंदिर के बाद गेट के बाद। भाई अभी पहुंचे हैं सस्पेंशन ब्रिज वाले एरिया में। ढिकली जहाँ पे विलेज एंड होता है ना, वहां पे भाई एक सस्पेंशन ब्रिज है कोसी बैराज के, यहाँ पे मेरे ख्याल से सस्पेंशन ब्रिज तक जाने के लिए पैदल अलाउड है। और अभी मेरे लेफ्ट में है गर्जिया गेट का पहला गेट। भाई पहले गर्जिया जोन का गेट इधर से खुला था, क्या रास्ता था भाई, मैं क्या बताऊं आपको। वो तो अच्छा हुआ उस दौरान कोई ऐसा हादसा हुआ नहीं, मतलब एकदम खड़ी चढ़ाई है, और खड़ी चढ़ाई में भी बैंड है, टेंशन टाइगर का नहीं है जंगल में उस ट्रैक पे। देखो कभी बिन मौसम बरसात आ गई, और वहां की मिट्टी थी चिकनी, टायर स्लिप होते थे, अगर सडनली गाड़ी ऊपर को चढ़ रही है, गाड़ी में लोड है, टूरिस्ट बैठे हुए हैं, और सामने से कोई एलिफेंट आ जाए भाई टफ हो जाता वो ट्रैक पूरा, मतलब बहुत ज्यादा। मतलब एक दिन तो हमारे साथ वाली एक गाड़ी में भी था उस जोन में, मेरे ख्याल से पिछले साल की बात होगी, पिछले साल ऐसी कुछ है। तो भाई वहां पे जय हो गर्जिया माता, भाई प्रॉपर तरीके से गर्जिया माता जहाँ के दर्शन जहाँ से होते हैं वहां पे पहुंच चुके हैं, मंदिर यहाँ पे और है। तो हुआ क्या था, मैं और एक लड़का और था,
तीन गाड़ियां थी, मतलब मेरी गाड़ी बीच में, उसकी गाड़ी सबसे ऊपर चल रही, उसकी गाड़ी चढ़ाई पे, और भाई उसकी गाड़ी मतलब टायर स्लिप मारने लग गए। उसने शायद, हो सकता है जिप्सी में क्या होता है ना, फोर व्हील के लिए कुछ लॉक वगैरह ऐसा भी लगा देते हैं ना कि बार बार वो शापट ना घूमे, फ्यूल खर्च ना हो, जब जरूरत पड़े तभी फोर व्हील का यूज हो ऐसा। तो उस भाई ने वही मेरे ख्याल से कुछ लॉक वगैरह लगाए हुए थे। अब लॉक हटाने के लिए उतरना पड़ता भाई, और उतरे कैसे, गाड़ी भयंकर चढ़ाई में एकदम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई थी, पर महादेव की कृपा से सब सकुशल रहा। उसकी गाड़ी को नीचे भी लाए, उसकी गाड़ी के गेस्ट को मैंने फिर ऊपर छोड़ा, फिर मैं अपने गेस्ट को लेकर गया। ऐसे सीन हुआ, बहुत खतरनाक ट्रैक था गर्जिया जोन का, टेंशन था हाथी का ही। सारी गाड़ियां निकल रही भाई पहाड़ के लिए। रात को इस ट्रैक में आगे से 11 बजे के बाद बंद कर दिया जाता है भाई, मोहन से। अगर आपका ऊपर रिजॉर्ट है या आपका जरूरी काम है तभी आपको भेजा जाएगा, और सुबह 3 बजे से पहले नहीं भेजते। ये अपनी चल रही है गढ़वाल मंडल की गाड़ियां जा रही हैं, सब भाई अब निकल रही हैं। भाई शुरू हो गया उसका एरिया जिसे हम ढूंढने निकले हैं आज। सारी टेरिटरी उसी टाइगर की है, यहां से लेके वो ऊपर हाई बैंक तक। पर भाई ये एरिया जब भी आप लोग यहाँ पे घूमने आते हैं ना, आपको लगता है ऐसे इजी कुछ दिखता नहीं, तो आप लोगों ने उतरना नहीं है। पता है दिख नहीं रहा का मतलब ये नहीं कि है नहीं भाई, समझ रहे हो, है सब कुछ यहाँ, पर जिस जानवर को आप इजीली देखने की सोच रहे हो ना वो इजीली दिखता नहीं है। हम प्रॉपर सफारी में जाते हैं तो वहाँ माहौल नहीं बन पाता, कई दफ़े ऐसी ऐसी सिचुएशन हो जाती है, तो यहाँ तो भाई बहुत रेयर। इस बोर्ड को तो खास तौर पर पढ़ लें, बोर्ड पे देखो ये सबसे ज्यादा खतरनाक एरिया है इस क्षेत्र, यह क्षेत्र कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का जाने वाला एरिया है भाई, बिना अनुमति के इस एरिया में रुकना मना है। भाई आप लोगों को भाई सेफ्टी से रहना है यहाँ पे, सबसे ज्यादा यहाँ पे टाइगर साइटिंग और भाई अटैक के मामले होते हैं। आराम से अपना मौज ले रहे हैं, भाई प्रॉपर तरीके से पहुंच चुके हैं ढिकाला गेट पे। भाई ढिकाला का यह गेट है, इसे बोलते हैं धनगढ़ी, और यहाँ से 31 किलोमीटर ढिकाला है भाई। तो जिन लोगों को ढिकाला चाहिए होता है भाई उनके लिए बता दें, ढिकाला ओपन हो जाएगा 15 नवंबर से, और ढिकाला की बुकिंग अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। और ढिकाला का क्या सीन है, ढिकाला की बुकिंग ईजिली मिलती नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं। तो भाई जो लोग मुझे फोन करते हैं ढिकाला के लिए कि युवराज भाई ढिकाला जाना है, पहले तो सुन लीजिए, ढिकाला जोन में भाई नाइट स्टे कंपलसरी है अगर जीप में आपने जाना है, समझ रहे हैं, जीप में अगर आपने जाना है तो जंगल के अंदर ही रुकना है। तो कई लोगों के माइंड में जंगल के अंदर रुकना से आता है कि वहाँ अलग अलग रिजॉर्ट होंगे, नहीं भाई वहाँ पे रिजॉर्ट नहीं होते, वहाँ पे होते हैं FRH, ब्रिटिश टाइम के बने हुए FRH हैं, वेल फिनिश्ड है एकदम। पर FRH में क्या आपको कुछ रूल्स होते हैं, जैसे आप चटकीले कपड़े नहीं, परफ्यूम नहीं, नॉनवेज नहीं, स्मोकिंग नहीं, ड्रिंक नहीं, रूम एकदम बढ़िया होंगे, वॉशरूम एकदम बढ़िया होंगे, बट आपको बेसिक फैसिलिटीज के साथ जंगल के अंदर रहना होगा, है ना, तभी तो जंगल में रहने का मजा है ना भाई, तभी तो आनंद आएगा ना जंगल में रहने का। और इसकी बुकिंग के लिए आप गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाके भी बुक कर सकते हैं। अगर आप लोगों को होता है युवराज भाई आप हमारे साथ चलो, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें हमारी गाड़ी का नंबर मेंशन कर सकते हो, ठीक है, गाड़ी का नंबर लेने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या कई वीडियोस में मेरे गाड़ी का नंबर मिल जाएगा। तो ये होता है, और मेरी गाड़ी नहीं है तो और भी बहुत लड़के हैं भाई कॉर्बेट में, सब अकेले मैं ही थोड़ी चल रहा हूँ ना, कई सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं। और आजकल अचानक से ही जंगल में भाई एलिफेंट का मूवमेंट बहुत बढ़ गया, सोच रहे ये वाले एरिया में भी हाथी का मूवमेंट तगड़ा है ना, क्या पता माइग्रेट करके इधर कहाँ आए हो तो मिल जाए गजराज के दर्शन। एक टाइम तो ऐसा आ गया था ना भाई, मुझे याद है अभी भी, कि इस रोड में फॉरेस्ट वाले बाइक से जाने को मना कर रहे थे, इतना ज़बरदस्त सीन हो जाता है इस वाले ट्रैक पे। तो भाई बाघ बाघ तो सब कहते हैं ना, जब टाइगर मॉनिटर होता है, और ये भी कहता हूँ जब टाइगर सामने आता है, तो मैंने अच्छे अच्छे प्रोफेशनल कैमरा मैनों का कैमरे ख़राब होते हुए देखें, कैमरा नहीं दिमाग ख़राब हो जाता है जब 250-300 किलो का टाइगर सामने आता है। और वही टाइगर जब कभी मॉनिटर हो जाए तो भाई वो रौद्र रूप में आता है ना, आप समझ नहीं सकते, बहुत ज़बरदस्त। भाई आ गए अपने फेवरेट एरिया पे, अब यहाँ पे रुकेंगे, सूर्य जब उदय होगा उस टाइम पे शायद मूवमेंट मिले, क्योंकि अंधेरा है अभी तो ना, अभी तो सिर्फ अलार्म कॉल ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस एरिया से फ़ायदा है दूर दूर की अलार्म कॉल सुनाई देगी। सामने जो लाइट चमकती हुई दिख रही विलेज भाई, वो मेरे ख्याल से मोहन है, और इधर जो पीछे दिख रही लाइट है अभी इसमें नहीं दिख रही होंगी, मेरे राइट में जो है वो है आपका वो क्या, चुकुम गाँव,
ऐसी जगह पे कभी अचानक सडनली गजराज आ भी गए तो मैं गाड़ी को तुरंत निकालू, और सामने से कोई एनिमल निकल आए तो उस पर लाइट पड़े हमारी, समझ रहे यार। वो अंधेरे में पहुंच गए हैं आप लोगों के लिए यहाँ का व्यू दिखाने के लिए। रुकते हैं थोड़ी देर आराम से। कई लोगों को मैसेज आते हैं, युवराज भाई बड़ी अच्छी लाइफ है आपकी यार, जंगल पे रहते हैं भाई। ये तो भाई मैं बिल्कुल मानता हूँ, धन्य हूँ। पहले तो भाई मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ, और धन्य हूँ भाई मैं फिर इसके बाद उत्तराखंड में पैदा हुआ, और धन्य हूँ भाई मैं जिम कॉर्बेट में पैदा हुआ, है ना। जबरदस्त व्यू है, क्या शांति है जंगल में। सुनो भाई, हल्का हल्का उजाला होना तो शुरू हो गया है, बट इतना अभी नहीं हुआ है उजाला कि मैं गाड़ी से उतर के जाऊं। सेफ नहीं है ना एरिया भाई, कहीं कहानी बन जाए अपनी, दूसरों को ज्ञान देते हैं अपनी कहानी ना बना ले। ये जो सामने लाइटें दिख रही हैं ये है चुकुम गांव। उजाला होगा तो आपको नज़ारे दिखाएंगे यहाँ के, थोड़ा उजाला और हो जाएगा ना फिर उतरता हूँ मैं। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे हैं सामने चुकुम गांव में, नीचे से डियर की आवाज़ आ रही है। ऐसा लग रहा है डियर आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि सींग टकराने की आवाज़ आ रही है ना, आपस में एंटीलर लड़ रहे हैं। सुनो ध्यान से, अभी मैं जैसे ही उजाला होगा उतर के दिखाऊंगा, कन्फर्म यही आवाज़ है भाई। अब हो गया थोड़ा उजाला उतरने लायक, पर ये जंगल है मेरे दोस्त, यहाँ कभी भी काम उठ सकता है। पर क्या ना, अपने को जंगल की हल्की फुल्की नॉलेज है तो थोड़ा बहुत रिस्क ले लेते। इतना रिस्क आप लोगों ने लेना भाई, इतनी अर्ली मॉर्निंग तो खास तौर पे नहीं है। देखो स्पॉटेड डियर मस्त यहाँ पे चुग रही है, लाइट बहुत कम है अभी भाई, पर व्यू देखो आप सुबह सुबह का भाई यहाँ का। डॉगी अभी भी कंटिन्यू भौंकने में है। उस वाले एरिया से आ रही कुत्ते की भौंकने की आवाज, बार्किंग डियर बोला लग रहा है वो, इधर कहीं बार्किंग डियर भी बोल रहा है। आवाज आ रही है ना, ये नहीं, ये आवाज तो स्पॉटेड डियर की तो अलग है, ये इस तरफ बोला बार्किंग इधर भी, और एक आध इधर बोला, ये वाला तो दूर बोल रहा है ऐसा लग रहा है नदी के उस पार, इधर कहीं। क्या लाइट दिख रही है आपको, बारीक सी एक घर दिख रहा है कहीं पे, ये घर है किसी का। उतरना ज़्यादा सेफ नहीं भाई, तो थोड़ा गाड़ी पे बैठ लेते हैं, क्योंकि क्या उतना उजाला हुआ नहीं है ना अभी, और बार्किंग डियर उस वाले एरिया में, तो अगर टाइगर उधर से इधर को अगर कुछ भी है ऐसा तो इधर से इधर आता है, तो भाई इधर है स्पॉटेड डियर तो वो अलार्म कॉल दे देंगे, इसलिए आराम से गाड़ी में बैठते हैं। क्या साउंड है देखो बर्ड का, थोड़ा आगे तक दिखा के लाऊं। देखो बोला ना बार्किंग, क्या साउंड आ रहा है बर्ड का यार। गाड़ी में बैठ के आराम करते हैं थोड़ी देर, फिर देखें क्या माहौल बनता है। कितना रिलैक्स करने वाला साउंड आ रहा है बर्ड का, एकदम सुकून। अब थोड़ा उजाला सही हो गया भाई, पर सामने कंटिन्यू भाई मुर्गा बोल रहा है, रेड जंगल फॉल कंटिन्यू। अब इसके जो दो संकेत हैं, या तो ईगल ऊपर कहीं बैठा हुआ है ईगल के लिए कॉल कर रहा है, या फिर कोई ना कोई प्रेडेटर है अगल बगल। और ये देखो स्पॉटेड डियर आराम से यहाँ पे, बहुत सारे ग्रुप हैं अभी तक ये चुगाली कर रहे थे, अभी एक एक करके भाई निकलेंगे अपने घर को, जा रहे हैं लाइन लगा के। देखो कितना डिसिप्लिन है इन जानवरों में भी, एक एक करके वापसी हो रही है, सब आ रहे हैं। ये कुछ चकंदर हैं जो भाग रहे हैं आराम से, पूरी टीम इनकी अब जंगल की ओर को। देखते हैं अगर ये डियर अंदर गए, इन्होंने कोई अलार्म कॉल की, सही जगह जा रही है वैसे डियर, जिधर
मुर्गा बोल रहा है ना, इस वाले पार्ट में नहीं बोल रहा मुर्गा। यहाँ तक पहुँच गई है देखो, और कुछ डियर इधर है। लाइट का मैंने भाई तो थोड़ा ब्लर आ रहा होगा। वेट करेंगे एक अच्छी अलार्म कॉल का, कुछ मिले अगर क्लू। ऐसे मिल जाता ना आते हुए, पूरा क्रॉस करते हुए मज़ा आया था भाई। ऐसे करके मिलता कई दफ़े, कई वीडियो में देखा है मैंने किसी के। डियर देखते देखते यार कुछ पेड़ पे हिलता हुआ दिखा, और इतना बड़ा हिलता हुआ दिखा कि या तो बंदर है, पर बंदर मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। कुछ तो था इस पर यार। और भाई इतनी खूबसूरत जगह है ना, पर कुछ लोगों ने भाई इस खूबसूरत जगह को यहाँ पे उतर के और इतना गंदा कर रखा है। देख रहे हो आप कितना कूड़ा फेंक रखा है भाई। ये देखो चिप्स के पैकेट, अरे पियो, ये दारू पीने वालों ने बियर की बोतलें ही फेंक रखी है। कम से कम अपने संग लेके चले जाओ ना यार इस कबाड़ को। इस जंगल में, इतनी खूबसूरत जगह में ये सब क्यों फेंकना यार। तो भाई क्यों ना आज सुबह सुबह सफाई अभियान चलाया जाए। पहले मैं देखूं गाड़ी की डिग्गी में कुछ मेरे पे ऐसा है जिसमें मैं लेके जाऊं। सफाई अभियान चलाया जाता है, और ये मेरा ये खाली है, इस बैग में पूरा कूड़ा भर के डाल दिया जाएगा। सही हो गया, देख रहे हो कितना गंदा कर रखा है। क्या पता फिर सफाई अभियान करते करते ही कुछ अलार्म कॉल मिल जाए, है ना। फ़ोन को यहाँ पर कहीं सेट कर लिया जाता है और वहाँ से शुरू करते हैं भाई। तो भाई शुरुआत करते हैं इधर से। भाई ये बैग तो फुल हो गया, लगाओ मैंने दवा दवा के भर दिया इसे। जी अरे हमारा साथी आ गया तो बंदर ही था यार यहाँ पे। देख गया बंदर, कह रहा क्या कर रहा है यार ये बंदा। वो बैठा है देखो, बंदर बैठा ना, लगा लिया जाए फिर से काम में, शुरू हो जाए जाए थोड़ा सा और बचा। बस ज़बरदस्त तरीके का बैग भर गया, देखो कितना बड़ा बैग भर गया। कुछ हद तक सफाई कर दी है, थोड़ी बहुत और बची हुई है, ये भी धीरे धीरे साफ़ होगा। लग रहा होगा आपको पहले के मुकाबले अभी क्लीन है ना। बंदर जी क्या हाल हैं, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। वाह जी वाह, इनसे भी दूरी बना के रखनी फ़िलहाल। तो क्या मेरा फ्रेंड आ गया यहाँ पे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा फ्रेंड अभी चिल मूड में है। बंदर के बोलने की आवाज़ आई यार। तो यारो कैसा लगा अपना सफाई अभियान। देखो भाई सफाई हो गई नहीं हो गई, अभी थोड़ी थोड़ी सफाई रोज आके करते रहूँगा तो भाई एरिया एकदम क्लीन है। अभी तो फिलहाल मैं क्लीन कर दिया भाई, मत किया करो यार गंदा, है ना। जो भी खाते पीते ले जाया करो। अभी इस बैग को मैं ले जाता हूँ, गाड़ी में रखता हूँ, पूरा बैग भर गया है। आज माता जी से पढ़नी है पक्का गाली, सब्जी वाला बैग था मेरा इस बैग में पढ़ दिया कबाड़। फिलहाल तो इसको यहीं रख देते हैं भाई, नीचे कहीं कर देंगे इसे,
कूड़ा घर में। ये बंदर था गाड़ी में अटैक करने के मूड में। मैं जब आया ना, मैं हाथ धो रहा था, ये यहाँ बैठा था चुपचाप, अभी उधर चले गया। इसकी हरकत है, अभी क्या ले रहा है, अभी ये चूना खा रहा है इसमें से। मस्त धूप सेकने बैठ गया। सूर्य देवता भी जस्ट निकलने ही वाले हैं भाई, व्यू देख लो। क्योंकि उस तरफ धूप पड़ी ना, उधर उस वाले पहाड़ी पे दिख रहा है आपको धूप, इसके पीछे ये पहाड़ी पड़ गए ना, जब के ऊपर सूरज आएंगे, सूर्य देवता, तब दिखेंगे। हाँ जी, क्या हाल है मुन्ना बदमाश? मुन्ना बदमाश अकेला चल रहा है, छोटी सी फैमिली भाई, डियर की छोटे बेबी भी हैं इसमें। क्या बात है भाई, निकल गए भाई सूर्य देवता। मोमेंट तो कुछ मिला नहीं, पर कोई बात नहीं, सफाई अभियान चला तो भाई मन को सुकून आ गया, गंदा बहुत हुआ था। जय हो सूर्य देवता। और क्या व्यू आ रहा है आप देखो उधर भाई। हम भी निकलते हैं घर को, क्योंकि हमें भी आज काम है कुछ, और इवनिंग सफारी भी है। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट डे। अभी तो नीचे को जा सकते, क्या पता कुछ माहौल मिल जाए, पर व्यू बड़ा जबरदस्त है। हल्के हल्के निकलते हैं घर को भाई, कुछ रास्ते में माहौल बना तो आपको दिखाते हैं। पर अभी सनलाइट पड़ रही तो धूप अच्छी आ गई है ना, आप लोगों को आनंद आएगा जंगल देख के। किस्मत ज़्यादा ही अच्छी हो तो भाई फर्स्ट मीटिंग में ऐसी जगह पर आपको टाइगर मिल सकता है ना। बाकी अगर आप प्रॉपर तरीके से किसी को ढूंढ रहे हो यहाँ के प्रेडेटर को, तो भाई आपको कई चक्कर तो मारने पड़ेंगे, इतना आसान नहीं, रियल में बता रहा हूँ। सफलता मिलेगी मिलेगी। आजकल मूवमेंट जंगल में भी कम हो गया ना, अब ये टाइगर का मेटिंग सीजन शुरू हो गया, तो भाई तो डिपेंड करता है। आप बोलोगे युवराज भाई, आप तो बोलते थे कि यार विंटर में टाइगर साइटिंग अच्छी होती है, मेटिंग सीजन मूवमेंट करता है टाइगर, और डिपेंड करता है वो किस एरिया में जा रहा है ना। जब लास्ट टाइम छिरने में थे, वो टाइग्रेस थी 4 नंबर जिसे हम बोलते हैं, उसका बहुत अच्छा मूवमेंट मिल जाता था। और मैटिंग एक बहुत रेयर साइटिंग है। आवाज़ सुनाई दी यार थोड़ी सी कुछ भाई जंगल जर्नी में। और ऐसे भी कभी आप किसी प्रेडेटर को ढूंढने निकल रहे हैं, तो कोई भी क्लू मिस मत करिए, पता एक हल्की सी अलार्म कॉल मतलब आपको मिला मुलाकात करवा सकती है आपके प्रेडेटर से, है ना। इसमें ये क्लू कुछ भी हो सकता है, बंदर का बोलना भी हो सकता, बंदर तो खैर होता ही होता है, बंदर नहीं मतलब आपका उसका बोलना, क्या बोलते हैं मुर्गे का, मुर्गे की अलार्म कॉल के बाद भी टाइगर मिलता है भाई, मिलता क्या हमने देखा है। एक छोटा सा डियर मिला है मुझे, बार्किंग डियर, बहुत कम शूट होता है। अगर ये टाइम देगा तो मैं आपको दिखाता हूँ, छोटा सा है, आपको हिल वाले एरिया में ज़्यादा मिलता है ये। पता क्या रहता है, ये पूरे चौड़ में रहता है, पूरे चौड़ में रहता है, अकेला रहता है, और डरफोक सबसे ज़्यादा है। इसी की अलार्म कॉल जो मैं पीछे बोल रहा था ना, ये आपको जोड़े में मिलेंगे या अकेले मिलेगा। एकदम तो मुझे देख रहा हूँ, मेरी नज़र पड़ गई है, पीछे को देख रहा था, मैंने कहा क्या है यार, कुछ तो था। तो मतलब ऐसे ऐसे क्लू को भी भाई आप बिलीव नहीं कर सकते हो, मतलब ये ऐसे क्लू से भी। चलो ये तो अभी बार्किंग गियर था, कई दफ़े ऐसा होता है टाइगर भी हो सकता है। मुझे दिखा कुछ नहीं था, मुझे ऐसा येल्लो येल्लो दिखा कुछ। क्या व्यू आ रहा है भाई सनलाइट के साथ, प्रॉपर वही फॉरेस्ट है जो अंदर है भाई, तो रोडे तो सब बाद में बनी है ना। थोड़ा सा चेहरे पे पानी मारे यार यहाँ पे, धनगढ़ी नाला, क्या व्यू आ रहा है। लाइट इधर अच्छी पड़ी तो इधर अच्छा आ रहा है ना,
ये दो टाइगर क्या कर रहे हैं रोड में। बंदर नीचे तो माहौल शांत, आगे बढ़ते हैं। हल्की हल्की धुंध में फॉरेस्ट कितना मस्त लग रहा है। तो यारो निकल चुके हैं घर को, जबरदस्त रही यारो आज की जर्नी भी, मोहान पे ही अपनी सॉरी सुंदरखाल पे अपनी जर्नी को विराम देंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यारो मैं ना दबा के शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।